पहले जय भीम जय भारत। आज हम आपके लिए सबसे बड़ी खबर लेकर आए हैं, जिस खबर के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। साथियों, खबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा से संबंधित है, यानी बाबा साहब की मूर्ति से संबंधित है। कुछ असामाजिक तत्वों ने, मनवादी सोच रखने वालों ने फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ दी। साथियों, लॉकडाउन में लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ी जा रही है और बहुजन समाज के लोगों पर जो कि अत्याचार हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लॉकडाउन में हर कार्य बंद है, पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जलन रखने वालों की ये गंदी सोच अभी नहीं बदली और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगातार तोड़ी जा रही हैं। साथियों, एक नया ताज़ा मामला निकल कर आया है, उस मामले को हम आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और आखिर अब तक क्या हुआ और ये मामला कब का है। साथियों, मामला मध्य प्रदेश के डबरा विधानसभा के मसूदपुर से है। वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई थी और कुछ मनवादी सोच रखने वालों ने वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति यानी प्रतिमा वो खंडित कर दी। जब ये मामला संज्ञान में आता है, डबरा टीम को पता चल गया, डबरा के रहने वालों को और बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष व बहुजन समाज पार्टी की जो कि ग्वालियर की टीम है उनको पता चल दिया, तो वहाँ पर वो प्रदर्शन करने के लिए उतरते हैं। स्क्रीन पर आप लगातार फोटो भी देख पा रहे होंगे किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर बैठे हैं और एक प्रदर्शन कर रहे हैं, लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए मास्क और दूर सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। सब साथियों, जब ये जो कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता व डबरा टीम जो विरोध प्रदर्शन करती है तो प्रशासन हरकत में आता है और प्रशासन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा, नई प्रतिमा लेने के लिए ग्वालियर जाता है। साथियों, हम आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी के कौन से जिलाध्यक्ष और कहाँ के जिलाध्यक्ष उस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे और उनकी टीम भी और वहाँ उनके कार्यकर्ता भी शामिल थे। साथियों, ग्वालियर के जिलाध्यक्ष थे बहुजन समाज पार्टी के दिनेश मौर्य, जो कि दिनेश मौर्य वहाँ पर थे और उन्होंने जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ने वाले थे, उन मनवादी सोच रखने वालों का अपनी टीम के साथ मिलकर पुरजोर तरीके से विरोध किया और जो कि निंदा भी जताई कि आज आखिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा क्यों तोड़ी जा रही है और लॉकडाउन में भी मनवादी सोच रखने वाले व्यक्ति अपनी हरकतों से, गंदी हरकतों से आवाज नहीं आ रहे हैं। साथियों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आप चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो लाइक करें, अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें आखिर मनवादी सोच रखने वालों की सोच कब बदलेगी और आखिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ना कब बंद होंगी। जय भीम जय भारत। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।